सबसे पहले रिपोर्ट में सुनिए दीपिका पादुकोण का शॉकिंग खुलासा, जो उन्होंने फिल्म फेयर मैगजीन को बताया। अपनी लव लाइफ के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी रणवीर सिंह के साथ 4 साल पहले ही एंगेजमेंट हो चुकी थी, जो उन्होंने सबसे छिपाए रखा और अब शादी के बाद इस सीक्रेट से पर्दा उठाया। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर चल रहे कंट्रोवर्सी पर अनुपम खेर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जहां उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के लिए कोई स्पेशल स्क्रीनिंग नहीं रखेंगे, लेकिन अगर मनमोहन सिंह कहेंगे तो हम उनके लिए स्पेशल रखेंगे और कब तक क्लीन शेव फिल्में हम बनाते रहेंगे, मुझे इसके लिए ऑस्कर मिलना चाहिए और हम कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। जब स्पोर्ट्स पर्सन पर फिल्म बन सकती है तो किसी नेता पर क्यों नहीं। हमने फिल्म बनाई है और वो एक बुक पर आधारित है, जो किताब में है वही दिखाया है। जब किताब आई तब आपत्ति क्यों नहीं जताई, और ये बीजेपी के फायदे के लिए नहीं है। वैसे ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें कॉन्ट्रोवर्सी होना तो लाजमी ही है, मगर कब तक होगी ये तो भाई खुदा ही जानता है। हाल ही में सिम्भा रिलीज हुई, जिसे खुद देखने पहुंची फिल्म की लीड स्टार सारा अली खान, और उन्होंने पीवीआर से बाहर आते वक्त अपने फैंस के साथ बातें भी की और उनसे आशीर्वाद भी लिया, जहां उनके फैंस ने उनकी स्पेशल एक्टिंग की प्रेज भी की। और तो और यहां आपको रणवीर सिंह की हरकत भी कुछ और ही कहती नजर आई। जी हां, गैलेक्सी थिएटर के ऊपर चढ़ गए महाराज रणवीर सिंह और उनके फैंस उन्हें और रोहित को साथ में देखकर सीटियां बजाने लग गए। साल की आखिरी फिल्म सिम्भा वैसे किसी धमाके से कम नहीं है। वाह भाई वाह रणवीर, आपके लिए तो ये शादी काफी लकी साबित हो रही है। लेडी लक तो काम आ ही गया। रणवीर सिंह के बाद अब आप अक्षय कुमार का कमाल देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले साल रोहित शेट्टी की फिल्म वीर सूर्यवंशी में इंस्पेक्टर बनकर धमाल मचाने को तैयार है अक्षय कुमार, जिसकी अनाउंसमेंट एक अनोखे तरीके से की गई। जी हां, सिम्भा के क्लाइमेक्स में अक्षय कुमार की झलक दिखाकर इस बात की अनाउंसमेंट की गई। आज के अपडेट में इतना ही। अगर अच्छा लगे तो प्लीज शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही एंटरटेन होते रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर एंड हैप्पी वीकेंड।